पर रिजल्ट इसमें रिजल्ट को लेकर जो है वो कहा गया था कि अभी फिलहाल रिजल्ट घोषित ना किया जाए, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार जेओए 817 को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है और सरकार ने कमीशन को ये निर्देश दिए हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हाईकोर्ट में मूव की जाए और जिसमें जो है वो परमिशन हाईकोर्ट से ये मांगी जाए कि जेओए 817 के जितने भी अभ्यर्थी है जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट घोषित किया जा सके। तो इस मामले को लेकर जो है वो सरकार ने एक बार फिर से पहल की है और JOE IT 817 का जो मामला है उसे एक बार फिर से सुलझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हमीरपुर चयन बोर्ड को सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करें और जिसमें हाईकोर्ट से यह अनुमति मांगी जाए कि 817 पोस्ट कोड के जितने भी अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला है तो वो पोस्ट कोड 556 का है। पोस्ट कोड 556 के जो अभ्यर्थी है जो नौकरियों में लग चुके थे पहले, वो सभी जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे ताकि उनकी नौकरियां जो है वो सेफ रह सके। तो ऐसे में जो है वो सरकार खुद भी ये मानती है कि ये जो मामला है वो 556 का है, 817 का जो है उन्हें बिना 817 के जितने भी अभ्यर्थी है उन्हें लंबा नहीं खींचना चाहिए और उनकी भर्तियों को नहीं रोकना चाहिए और इसीलिए जो है अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एप्लीकेशन मूव की जाएगी और हाईकोर्ट अगर परमिशन देता है तो JOE IT 817 का जो रिजल्ट है वो घोषित यहां पर किया जाएगा। और दूसरा यहां पर 500 डॉक्टरों की बात करें तो 500 डॉक्टर्स के जो